हेलो ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए थे GTO। हमने नेक्स्ट वीडियो में बात करा था UGT, तो आज हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे GTO के बारे में। तो मैंने आपके सिलेबस में देखा कि हमारा जो GTO था वो नहीं है इस बार, तो GTO को पढ़ेंगे। तो पढ़ना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो हमें कमेंट करके बता सकते हो कि GTO पढ़ना है, तो मैं GTO पढ़ा दूंगा बाद में। लेकिन आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो हमारा एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। जो हमारे 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो पूछा गया था 5 नंबर में, जिस टॉपिक का नाम है हमारा 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी, या फिर जिसका नाम था 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा 5 नंबर में पूछा जाता है। आप इसे पढ़िए अच्छे से। अगर आप कहोगे GTO पढ़ा दो, तो मैं GTO भी पढ़ा दूंगा। आज हम बात करेंगे इसके बारे में, जो हमारा 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी है, ठीक है। तो जो 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी है, तो हमें सबसे पहले इसके सिंबल से समझेंगे। तो इसका जो सिंबल है 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी, वो क्या है कि सबसे पहले तो जो 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी है, यानी कि 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR, इससे हमें नाम से पता चलता है कि जो हमारा 2 ट्रांजिस्टर मॉडल है उसमें क्या है कि हमारे 2 SCR का उपयोग किया गया है, यूज़ ऑफ 2 ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 हमारे SCR यूज़ किए गए हैं। जो हमारा सिंबल है इसका, वो SCR का ये था, पढ़ रखा था आपने। ये हमारा गेट टर्मिनल था इसका, और ये जो था वो हमारे एनोड कैथोड थे। यानी कि यहाँ पे जो इसका नाम दिया गया है, ट्रांजिस्टर है ये हमारा बन, ट्रांजिस्टर बन, इसको नाम दिया गया है यहाँ पे बेस बन, और इसको दिया गया है यहाँ पे नाम एमीटर बन, और इसको यहाँ पे नाम दिया गया है ये कैपेसिटर बन, ठीक है। तो अब क्या हुआ इसमें, हमारा ये तो ट्रांजिस्टर बन हो गया, ऐसे हमारा इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर 2 कनेक्ट होता है। तो ये हमारा सेकंड ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर 2 हो गया हमारा, ये इसका गेट करंट हो गया। हमने क्या करा, इसके कलेक्टर 1 को हमने क्या करा, इसके गेट से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा गेट हो गया, यानी कि हमने कलेक्टर को गेट से कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो ये कलेक्टर, जो यानी कि जो एमीटर बचा हुआ है, एमीटर सेकंड, इसको नाम दे दिया हमने एमीटर सेकंड, और इसको नाम दे दिया हमने कलेक्टर ये सेकंड हो गया, क्योंकि कलेक्टर फर्स्ट तो हमारा ही हो गया। और हमने क्या करा, ट्रांजिस्टर बन के गेट को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, कलेक्टर सेकंड से। यानी कि इसमें क्या हुआ, ये हमारा बेस 2 हो गया, ये बेस बन था, ये एनोड हो गया हमारा एनोड टर्मिनल, ये हमारा कैथोड टर्मिनल, ये गेट हो गया हमारा। अब इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा ये ट्रांजिस्टर 1 और ये ट्रांजिस्टर 2, हमने क्या करा, ये जो एमीटर हो गया इसका टर्मिनल, और दूसरा टर्मिनल इसका कलेक्टर हो गया, ये इसका बेस हो गया। ऐसे दूसरे ट्रांजिस्टर में क्या हुआ, ये इसका गेट हो गया, ये इसका कलेक्टर, ये इसका एमीटर। तो हमने क्या करा, इसका जो हमारा ट्रांजिस्टर 1 का जो बेस था, जो हमारा यानी कि गेट था, हमने किससे, कलेक्टर सेकंड से कनेक्ट कर दिया, और हमारी ट्रांजिस्टर 2 का जो बेस था यानी कि गेट, हमने उसको कलेक्टर 1 से कनेक्ट कर दिया। और इसका एमीटर फर्स्ट है ये हमारा एनोड, और ये और जो हमारा एमीटर सेकंड है वो हमारा कैथोड है। ये इसका क्या हो गया, ये सिंबल हो गया। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि इस बनावट, अब इसकी कंस्ट्रक्शन को समझते हैं।
अब हमारा क्या है कि इसमें जो SCR जो है, हमने ये पढ़ा था SCR, यहाँ पे क्या है कि दो SCR को कनेक्ट करके बनाया गया है, यानी कि टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR, दो SCR की मदद से ये बनाया गया है टू ट्रांजिस्टर मॉडल। अब इसमें क्या हुआ कि ये हमारा पी सेमी कंडक्टर, ये N, ये P और एक N, ये हो गया हमारा कैथोड टर्मिनल और ये हो गया हमारा एनोड टर्मिनल और ये इसका गेट टर्मिनल। अब इसको जो है क्या करा और अच्छे से देखा इसको, तो अब क्या है इसमें दो ट्रांजिस्टर हमारे जो है दो SCR मिले हुए हैं, यानी कि ये SCR एक तरफ हो गया और दूसरा SCR ये एक तरफ हो गया, है ना। तो अब इसमें दो SCR जुड़े हुए हैं, हमने क्या करा इनको अलग अलग कर लिया, ये हमारे सेमीकंडक्टर PNP, ऐसे हमने क्या करा इनको ये अलग कर लिया, इनको यानी कि काट दिया। ये इसका N, ये P और ये N, ठीक है, यानी कि ये 2 SCR, यानी कि 2 SCR हो गए, ये SCR बन ट्रांजिस्टर बन, ये ट्रांजिस्टर 2, इसका ये हमारा जो है वो एमीटर है और इसका ये टर्मिनल ये कैथोड है, एमीटर वो सॉरी एनोड और ये कैथोड, ये जो हमारा इसका पी सेमीकंडक्टर है ये एमीटर है, ये इसका N, ये बेस है और इसका ये P, ये इसका गेट यानी कि कलेक्टर, ऐसे ही इसका ये अपोजिट इसका ये कलेक्टर हो गया, ये इसका बेस हो गया और इसका ये एमीटर हो गया। तो ये हो गया इसका सिस्टम, ऐसे हमने यहाँ पे ये सिंबल में दिखाया है, ये ट्रांजिस्टर वन और ये ट्रांजिस्टर टू है, हमने ट्रांजिस्टर टू वन में क्या करा है कि इसको जो है एमीटर को कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया है, सॉरी एमीटर है जो हमारा एनोड से कनेक्ट है और जो हमारा इसका जो एन दूसरे ट्रांजिस्टर का एमीटर जो है वो हमारा कैथोड से कनेक्ट है। अब जो बेस है हमारा ट्रांजिस्टर वन का वो हमने किससे कनेक्ट कर दिया है कलेक्टर से, और जो हमारा जो कलेक्टर है वो हमने किससे कर दिया ट्रांजिस्टर टू के बेस से। अब इसकी जो है हमारी वर्किंग क्या है, जो हमारे टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी की जो हमारी वर्किंग है, वर्किंग क्या है इसमें क्या दो ट्रांजिस्टर होते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट होता है ये, है ना, टू ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट होता है जिसमें कि हमारे दो थायरिस्टर होते हैं, इसमें क्या होते हैं दो थायरिस्टर होते हैं, एक होता है हमारा इसमें PNP एंड NPN, इसमें क्या होते हैं तीन हमारे टर्मिनल होते हैं, इसमें कितने होते हैं हमारे तीन टर्मिनल होते हैं, इसमें एक होता हमारा एनोड, एक होता हमारा कैथोड एंड एक होता हमारा गेट। और इसमें क्या होता है एक एमीटर, एक बेस और एक क्या होता है हमारा इसमें कलेक्टर। अब इसकी कंडीशन होती है हमारी, इसमें दो कंडीशन होती हैं, जो हमारी कंडीशन फर्स्ट है, इसकी जो हमारी कंडीशन फर्स्ट है टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी वो क्या है, व्हेन गेट करंट, व्हेन गेट करंट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जब हमारे गेट करंट जीरो होती है तब ये कैसे कार्य करता है। और इसकी कंडीशन सेकंड जो है वो क्या है, सेकंड कंडीशन है इसकी जो है वो है वेट करंट, यानी कि व्हेन गेट करंट IG इक्वल टू 1, यानी कि व्हेन गेट करंट कितनी है इसकी 1, यानी
एनी वोल्टेज। अब इस समय क्या है कि कंडीशन दो होती है इसकी, टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी की, कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकंड। यानी कंडीशन फर्स्ट में क्या है, वैन गेट करंट आई जी जीरो, यानी कि गेट करंट हमारी क्या होती है, जब शून्य होती है। और कंडीशन सेकंड क्या है, जब हमारी गेट करंट एनी वोल्टेज होती है ना। अब इसकी जो कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट है, इसको समझते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या थी, व्हेन गेट करंट यानी कि आई जी इजिकल्स टू जीरो, यानी कि व्हेन गेट करंट इजिकल्स टू जीरो, जब हमारी गेट करंट शून्य होती है। तब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब एस सी आर का जो गेट होता है उस पर हम कोई वोल्टेज नहीं देते हैं, यानी कि गेट पर हम क्या करते हैं, कोई वोल्टेज नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, गेट पर कोई वोल्टेज नहीं देते हैं। और उस समय क्या है कि हमारा तब आई जी इजिकल्स टू क्या होता है, हमारा जीरो होता है। जब जीरो होता है ना, तो हमने क्या करा, गेट से हम क्या करते हैं, गेट से हमारा क्या था, ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, यानी कि ये जो था हमारा, इसमें क्या था कि जब हम गेट करंट नहीं देते हैं तो उस समय क्या होता है, जो हमारा ट्रांजिस्टर बन होता है उसका जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर बन यानी कि ट्रांजिस्टर वन का कलेक्टर तथा ट्रांजिस्टर टू का बेस जो होता है, इसका बेस ये और एक ट्रांजिस्टर वन का कलेक्टर वन और ट्रांजिस्टर टू का बेस टू होता है, वो कनेक्ट होता है ना। और जिस समय हमारा क्या होता है, मान उसका शून्य होता है, जीरो होता है, जिस कारण हमारा क्या है, ट्रांजिस्टर वन का एमीटर, यानी कि ट्रांजिस्टर वन का जो एमीटर होता है, एमीटर और ट्रांजिस्टर टू का जो बेस होता है, वो कलेक्टर और वह एमीटर का मान उस समय शून्य होगा। यानी कि जब इसका ट्रांजिस्टर वन का एमीटर और ट्रांजिस्टर टू का बेस कनेक्ट होगा, इस समय भी मान इसका जीरो होगा। जब इस यानी कि हमने कोई गेट करंट नहीं दी है तो उस समय ट्रांजिस्टर वन और ट्रांजिस्टर टू का बेस और एमीटर जीरो होगा। और इस समय क्या है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर वन का कलेक्टर और ट्रांजिस्टर टू का बेस भी शून्य होगा, यानी कि जीरो होगा। उस समय क्या होगा, ट्रांजिस्टर वन और ट्रांजिस्टर टू, यानी कि ट्रांजिस्टर वन एंड जो हमारा ट्रांजिस्टर टू होगा वो ऑफ होगा, जब हमने गेट करंट नहीं दी है। सबसे बड़ा इसमें क्या है, जो हमारा मॉडल है, जो एस सी आर मॉडल है, इसमें क्या है कि हमने कोई गेट करंट नहीं दी है, यानी कि आई जी इजिकल्स टू हमने जीरो रखा है, तो उस समय क्या है कि हमारा जो टू ट्रांजिस्टर मॉडल है वो ऑफ रहेगा। तो ये हमारा इसका ट्रांजिस्टर वन की कंडीशन थी। ट्रांजिस्टर सेकेंड की जो कंडीशन है, अब कंडीशन सेकंड में क्या हुआ, जब हमने क्या करा, इसकी जो है यानी कि गेट करंट कोई बन या फिर एनी वोल्टेज दी, तो उस समय क्या हुआ कि हमने गेट करंट दी। अब गेट करंट का रोल क्या है कि हम जब गेट करंट देते हैं तो हमारी डिवाइस जल्द ऑन हो जाती है ना। तो अब इस समय क्या, हमने गेट करंट दी तो उस समय क्या हुआ, ट्रांजिस्टर वन का ये एमीटर और ट्रांजिस्टर टू का बेस, इसका मान क्या हो गया, इसका मान जो हुआ ट्रांजिस्टर वन का जो एमीटर और बेस है वो ऑन हो गया, और जो हमारा ट्रांजिस्टर वन का जो गेट है वो कलेक्टर और ट्रांजिस्टर टू का जो बेस है, उस समय भी क्या हुआ, ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, आई जी इक्वल्स टू ऑन बंद हो गया या फिर ऑन हो गया। उस समय क्या है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर जो हमारा टू है, यानी कि जो हमारा इसका ट्रांजिस्टर टू एंड ट्रांजिस्टर वन है, उस समय क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा। यानी कि गेट करंट देने पर कंडीशन सेकंड में, जब हमने गेट करंट दी, इस समय क्या है कि हमारा ये ट्रांजिस्टर सिस्टम जो मॉडल वो ऑन हो जाता है। अब ये हो गया है ना, ये तो सारा इसका वर्किंग हो गया है ना, और इसमें ये टू ट्रांजिस्टर का सिंबल और कंस्ट्रक्शन हो गई। अब इसमें एक आता है, इसका जो हमारी इक्वेशन आती है इसमें, मतलब सॉल्व करने के लिए डेरिवेशन आता है इसका टू ट्रांजिस्टर मॉडल का, इसको भी करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपको ये पाँच नंबर दिए जाते हैं, है तो खैर बढ़ाइए, लेकिन है बहुत आसान, तभी इसको पाँच नंबर मिलते हैं जब इसका डेरिवेशन अच्छे से करते हैं हम। तो डेरिवेशन को समझते हैं हम। अब आपको जो है, जो डेरिवेशन जो समझना है वो इसके द्वारा समझना है, वो डेरिवेशन को कैसे समझोगे। तो इसमें क्या है, जो हमारा ये जो ट्रांजिस्टर वन था, इसमें क्या था, ये एनोड था, ये एनोड करंट यानी कि ये एमीटर वन है, और ये जो इसका जो कलेक्टर वन है, और ये दूसरे ट्रांजिस्टर का ये कलेक्टर टू है, और ये क्या है, ये इसका बेस है।
ये इसका ये गेट हो गया जो बेस है, ये ट्रांजिस्टर टू का यानी कि कैथोड और ये एमिटर टू है, ठीक है। तो अब क्या हुआ इसमें, हम जानते हैं कि वी नो डैट हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि जो हमारा एनोड करंट है, एनोड करंट प्लस गेट करंट हमारे किसके बराबर है, कैथोड करंट के बराबर है। वो कैसे है वो देखते हैं हम। जो हमारी एनोड करंट है, एनोड करंट प्लस गेट करंट, वो किसके बराबर है हमारी, किसके बराबर है हमारी, कैथोड के। वो कैसे कि हमारा जो एनोड है हमारा IG1 जो करंट की जो डायरेक्शन जो जा रही है हमारी, वो हमारी एनोड करंट की यहाँ से ये एमीटर वन से फिर गेट के थ्रू ये गेट के थ्रू ये जा रही है कैथोड पे, यानी कि इसकी डायरेक्शन ये यहाँ से यूँ एनोड वन से गेट और फिर ये कैथोड पर, यानी कि हम जानते हैं कि जो हमारा एनोड है प्लस गेट वो किसके बराबर है हमारी, कैथोड करंट के। इसे हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। और सेकंड क्या था, जो एनोड करंट थी वो हमारे किसके बराबर थी, IC1 के प्लस IC2 के। वो कैसे हुआ, एनोड करंट है वो हमारी किससे जो हमारी करंट की डायरेक्शन यूँ जा रही थी, इसमें क्या था कि हमारा एनोड करंट किसके बराबर हो गई, ये हमारी कलेक्टर वन के एंड कलेक्टर इसका जो हमारी डायरेक्शन जो जा रही थी यहाँ से, फिर ये जो बेस पे सेकंड हमारा जो यहाँ पे गया तो ये इससे यानी कि एनोड करंट है वो हमारे किसके बराबर है, ट्रांजिस्टर वन एंड ट्रांजिस्टर टू, यानी कि दो SCR हैं इसमें, एक कलेक्टर हमारे इससे जाया और इससे ये दूसरा यहाँ से गया, ठीक है। तो जो हमारा करंट है वो किसका है, कलेक्टर वन एंड कलेक्टर सेकंड। तो हमने क्या करा, जो I करंट है वो हमारे क्या है, IC1 प्लस IC2 दोनों से होकर जा रही है, तो इससे हमने क्या करा, इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया। वी नो डैट हमारा एक जो वी नो डैट हमारी एक इक्वेशन होती है, हमने पढ़ भी रखी है, वो होती है जो हमारी कलेक्टर करंट होती है वो हमारे किसकी होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है हमारी एमीटर करंट प्लस हमारी होती है आउटपुट एमीटर कलेक्टर, यानी कि जो हमारी ICO, ये हमने पहले पढ़ चुका है हमने, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, हमें क्या करना है, इसी पे ही हमें अपनी इक्वेशन को लेके चलना है। हमारे क्या थे, अब इसमें दो ट्रांजिस्टर थे, तो ट्रांजिस्टर जो हमारा बंद था उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर बंद के लिए जो हम इसमें जो इक्वेशन फर्स्ट में जो हम इसमें जो मान रखते हैं, तो हमारा क्या है, जब इसमें रखेंगे ट्रांजिस्टर बंद का मान, तो इसमें क्या हो जाएगा, IC1 इक्वल्स टू जो हमारा ये अल्फा है, अब इसमें रखेंगे अल्फा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, IE1 प्लस ये हो जाएगा ICO फर्स्ट। ये हमने क्या कर दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। और ट्रांजिस्टर 2 के लिए क्या हो गया, अब सब में 2 लगा देंगे, ये IC2 हो जाएगा और ये इसका हो गया अल्फा 2 IE2 प्लस ICO2। इसको हमने क्या करा, सेकंड रख दिया इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का मान किस में रखते हैं, इसमें जो हमारी इक्वेशन इसको B दिया है, हम इसके ट्रांजिस्टर 1 एंड ट्रांजिस्टर 2 का वैल्यू रख देंगे। जब हम क्या करते हैं, जब इसकी जो ट्रांजिस्टर 1 एंड ट्रांजिस्टर 2 का जो इक्वेशन थी हमने बी में रखेंगे, तो उस समय क्या होगा, IA बराबर जो था हमारा इक्वेशन में क्या था कि IA ये हो जाएगा हमारा, ऐड कर देंगे अल्फा 1, ये हो जाएगा IE1 प्लस ICO1 प्लस, जब ऐड किया तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा 2 IE2 प्लस ICO2, ये हो गया। अब हमने क्या करा, इसमें IA का मान अल्फा 1 IE1 प्लस अल्फा 2 IE2 प्लस ICO, ये हमारी इक्वेशन निकल कर आई। इससे जो हमारा ये इसके बराबर इसका जो है ICO ही हमारा क्या है, ICO फर्स्ट एंड आई
CEO सेकंड, हमने इसका जो मान रख दिया ये ICEO, ठीक है। अब क्या हुआ, कंडीशन फर्स्ट में जो हमारी कंडीशन फर्स्ट थी उस समय क्या हुआ, जब हमारी IG करंट जो थी हमारी वो शून्य थी यानी कि जीरो थी, उस समय क्या हुआ, हम जानते हमने देखा था पीछे जो हमारी IK की वैल्यू थी एंड कैथोड की जो करंट जो थी हमारी वो किसके बराबर थी, IE प्लस IC एनोड करंट एंड कलेक्टर करंट। अब इसमें क्या हुआ, जो हमारी एनोड करंट जो थी हमारी वो किसके बराबर थी, IA के कैथोड करंट के, है ना, और जो हमारी कैथोड करंट थी वो किसके बराबर थी हमारी एमीटर फर्स्ट, और ये किसके बराबर था हमारा, ये एमीटर सेकंड के बराबर था। अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारा एमीटर जो करंट जो थी वो किसके बराबर, एमीटर फर्स्ट की जो करंट थी ये वाली, ये किसका, ये इसकी वैल्यू होगी अल्फा वन एमीटर करंट प्लस अल्फा टू एमीटर करंट प्लस ये ICEO, ये हो गया। जब इसमें हमने वैल्यू रख दी IA की तो ये निकल के आ गई हमारी वैल्यू ये जो थी। हमने क्या करा, IA की जो वैल्यू है इसमें से हमने कह रहा IA को कॉमन ले लिया, IA को कॉमन ले लिया। अब इसमें क्या बचा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू, यानी कि जब हमने IA को कॉमन लिया अल्फा वन प्लस अल्फा टू बचा और यहाँ पे हमारा क्या बचा, प्लस ICEO। जब हम इसको इधर लेकर गए तो इसमें क्या हुआ, IA इंटू इधर इधर पहुंचा तो ये हो गया वन माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा टू, इधर पहुंच गया तो ये हो गया ICEO, ये हो गया ICEO। जब हम इसको इधर लेकर आए, जब हम इसको इधर लेकर आएंगे इसके नीचे तो ये क्या हो जाएगा, IA बराबर हो जाएगा हमारा ICEO अपॉन वन माइनस के अल्फा वन प्लस अल्फा टू। इफ अल्फा वन प्लस अल्फा टू ये क्या हो गया हमारा अल्फा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, IA बराबर ICEO अपॉन वन माइनस अल्फा, ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आई है, कंडीशन फर्स्ट, जो हमारी IG करंट थी वो क्या थी, ज़ीरो थी। अब इसमें जो सेकंड थी वो क्या थी, कंडीशन सेकंड, यही दो क्वेश्चन आती हैं इसमें, जब गेट करंट ज़ीरो हो और गेट करंट प्रेजेंट हो, यानी कि जब गेट करंट प्रेजेंट होती है anyone, यानी कि when गेट करंट इज प्रेजेंट, जब when यानी कि when गेट करंट इज प्रेजेंट, जब गेट करंट प्रेजेंट होती है तो वी नो जो हमारा IA था वो हमारे किसके बराबर था, IC1 प्लस IC2 के, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। और जो हमारा IA था, जो हमारा एनोड करंट थी वो हमारी किससे थी, गेट करंट से कनेक्ट थी, यानी करंट गेट करंट वन हमने दिया इसको, ये क्या हो गया हमारा कैथोड से कनेक्ट थी, यानी कि जो हमारी करंट जो आ रही थी SCR से और एनोड करंट फिर गेट से और फिर ये किस पे जा रही थी, कैथोड पे। तो यही हुआ, एनोड करंट प्लस गेट करंट बराबर किसके हो गई, कैथोड करंट के। और इसमें हमने देखा था यहाँ पे जो IA था वही हमारा IG था, यानी कि गेट एनोड करंट थी वो हमारी प्लस किसके थी, गेट करंट के, और गेट ये किसके बराबर था हमारा, ये था एमीटर सेकंड के, यानी कि एमीटर सेकंड किसके था, कैथोड करंट बराबर एमीटर सेकंड, यानी कि जो कैथोड एनोड जो हमारा एमीटर सेकंड था वो किसके था, IK यानी कि कैथोड करंट के, और जो हमारा IA था वो हमारा किसके था, IE1 के, एमीटर वन तो किसका था हमारा, एनोड से। तो इसमें हमारा क्या हुआ, जो हमारा IA है, IA बराबर किसका है हमारा, E1 के, यही तो बताया था मैंने, जो हमारा IK था यानी कि कैथोड जो करंट थी हमारी वो किसके बराबर थी, बराबर थी जो IE2 के। अब यहाँ पे क्या हुआ, IA बराबर किसके होगा हमारा, IE1 के। अब हमारी जो मेन इक्वेशन जो थी हमारी मेन इक्वेशन क्या थी हमारी, वो थी IC बराबर अल्फा IE प्लस ICEO, यही तो थी मेन इक्वेशन। अब हम इसका क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर वन की जो वैल्यू थी IC1 इक्व टू अल्फा IE1 प्लस ICEO
Io1। ऐसे ही ट्रांजिस्टर टू के लिए ये हो जाएगी हमारा IC2, सब में टू लगा देंगे, IE2 प्लस ICeO2। ये हो गया पुट वैल्यू ऑफ IC1 एंड IC2 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें रख देंगे, ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी अब इसमें रख देंगे IC1 की वैल्यू एंड IC2 की वैल्यू। जब हमने IC1 एंड IC2 की वैल्यू रखी तो IE1 बराबर α1 IE1 प्लस α2 IE2 प्लस ICeO। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जो IA बराबर क्या हुआ हमारा α1, जो था IE1 था, मैंने बताया था ना, ये इधर जो IA1 है वो हमारे किसके बराबर है, किसके बराबर है हमारा IA के, प्लस α2 I2 जो हमारा किसके बराबर था, यहाँ पे मैंने दिखाया था I2 जो है IA प्लस IG के, यानी कि IA प्लस IG के प्लस ICeO, ये हो गई इक्वेशन। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये वैल्यू जो थी IE2 की वैल्यू किसके थी हमारी IA प्लस IG के बराबर। जो हमारी IA है हमने क्या करा, α1 IA प्लस α2 इसका अंदर अब मल्टीपल करेंगे, जब मल्टीपल गए ये हो जाएगा α2, ये होगा हमारा IA प्लस ये होगा α2 IG प्लस ये हो जाएगा ICeO। जब ये हुआ वहाँ क्या हुआ हमारा IA बराबर, अब इसमें से हमने क्या करा α1 और α जो हमारा IA था इसमें से IA कॉमन लिया, जब हमने IA कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा हमारा α1 और α2, α1 प्लस α2 प्लस ये जो हमारा α2 IG प्लस ये क्या बचा हमारा ICeO। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इसको जब इधर लेके गए तो यानी कि जो हमारा इधर इसको जो हम उधर लेके गए तो इसमें क्या हुआ हमारा IA बराबर ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस α1 प्लस α2। जब ये हुआ तो यहाँ पे ये इसके किसके बराबर हो गया, ये हो गया α2 IG प्लस ICeO के। जब हम इसको इसके नीचे इसको लेकर आए नीचे तो इसमें क्या हुआ हमारी जो इक्वेशन बनी वो इक्वेशन बनेगी हमारी IA बराबर α2 IG प्लस ICeO अपॉन 1 माइनस α। तो ये इक्वेशन किस में बनी, व्हेन गेट करंट इज प्रेजेंट, जब हमारी गेट करंट प्रेजेंट होती है तब ये इक्वेशन बनती है। तो यही था हमारा टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी का इक्वेशन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 5 नंबर में आता है ये पूरा जो है टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी। तो यही हमारा ये था, तो यही था हमारा टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी मेथड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट है इसमें SCR स्पेसिफिकेशन एंड रेटिंग, जिसमें से हमारा कभी कभार पूछ लिया जाता है, एग्जाम क्वेश्चन बन जाता है कि लैचिंग करंट क्या है, होल्डिंग करंट क्या है, डी स्क्वायर टी रेटिंग क्या है, और इसमें जो करंट रेटिंग क्या होती है, सर्ज करंट रेटिंग होती है, ये सब पढ़ेंगे इसमें स्पेसिफिकेशन में। तो यही है हमारा इसमें, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और आगे की। और हम आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।